गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर फर्स्ट के लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसे रिसोर्सेज जिनका हम उपयोग कर रहे हैं और ऐसे रिसोर्सेज जिसका हम उन रिसोर्सेज को बचा सके अपने आने वाले जनरेशन के लिए। और प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत या नियम। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल के ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, इसमें ये दे रखा है कि जितने भी फॉर्म ऑफ लाइफ होते हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म होते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करना, उनकी केयर करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। वो इसलिए क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनाइज्म में मानव जो होता है वह बहुत ही समझदार और अक्लमंद जीव होता है। तो मानव की जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारी पृथ्वी पर डिफरेंट टाइप के जो लाइफ हैं या लिविंग ऑर्गेनाइज्म हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, वाइल्ड एनिमल हो गए, इन सभी का रेस्पेक्ट करना, इन सभी को केयर करना। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब ये बोल रहा है कि ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। इसके अंदर ये रखा है कि हमारा जो लाइफ होता है, मानव की जो लाइफ होती है, उसको बेहतर से बेहतर बनाना। कि भाई हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं? वो डेवलपमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम हमारी मानव की लाइफ को बेहतर बना सकें, इम्प्रूव कर सकें। अगला पॉइंट आता है कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। पृथ्वी की जो वाइटलिटी होती है, वाइटलिटी का मतलब होता है लाइफ, जीवन, एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्न तरह की लाइफ, उसे बचा कर रखना। मिनिमाइज द डिप्लेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों की जो कमी होती है उनको कम से कम करना। डिप्लेशंस का मतलब होता है ख़त्म होना, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है जिनका उपयोग हम करते हैं और उपयोग होने से वे ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको कम से कम उपयोग में करना, ये है। आगे है चेंजेस पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड एनवायरनमेंट। ये बोल रहा है कि हमारे पर्सनल एटीट्यूड और प्रैक्टिस में बदलाव लाया जा सके, जिससे एनवायरनमेंट जो है, हमारे वातावरण जो है या हमारी पृथ्वी जो है वे सिक्योर हो सके, बच सके। अब पर्सनल एटीट्यूड की बात करते हैं, तो मानव की जो पर्सनल एटीट्यूड होती है वे उसके अंदर बदलाव ला सकता है। कैसे? अगर मानव चाहे, अगर हर एक इंसान चाहे, तो वे प्रकृति के लिए कुछ कर सकता है। जैसे कि पानी है, पानी का कम से कम उपयोग कर सकता है ताकि वह भविष्य तक बचा रहे। इसी तरह जंगल है, जंगल को कम से कम काट रहे या हमारे प्रकृति के लिए पेड़ उगा सके, तो हम प्रकृति को कुछ दे सकते हैं ताकि वह हमारी आने वाली फ्यूचर के लिए बची रहे। आगे है अनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ऑन एनवायरनमेंट। अब ये बोल रहा है कि हमारे पृथ्वी पर या हमारे प्रकृति में जितने भी जंगल्स हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं, उन फॉरेस्ट के अंदर जो भी कम्युनिटीज़ रहती है, कम्युनिटीज़ का मतलब होता है आदिवासी, जितने भी आदिवासी लोग रहते हैं उनको भी जिम्मेदारी दी जाए कि वे हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे जंगल को संभाल सके, उनकी रक्षा कर सके, उनकी देखभाल कर सके। क्यों? क्योंकि वे जंगल में रहते हैं और वे इंसान से, हमसे ज़्यादा, जंगल से ज़्यादा करीब रहते हैं, इसलिए वे जंगल की हर चीज़ के बारे में अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। तो ये थे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल जो मैंने आपको समझाए, और ये हमारे चैप्टर फर्स्ट के लास्ट टॉपिक था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 की बात करेंगे। थैंक यू।